मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को अतिवर्षा में खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया, न ही बोनस दिया जा रहा है। सरकार की किसान समृद्धि योजना में मुआवजा देने की बात भी नहीं कही गई है। प्रशासनिक अधिकारी गौरी सिंह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पास किया और फिर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में 28 सांसद हैं, पर किसी ने भी केंद्र से किसानों के लिए राहत राशि की मांग नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रदेश के 7 लाख टन खरीदी रोक दी गई है, क्योंकि पिछले साल किसानों को बोनस दिया गया था। कमलनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर है। इसके बाद सदन में विपक्ष ने आपत्ति जताई और जोरदार हंगामा किया। जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह क्यों नहीं केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते। केंद्र से हमारा पैसा रुक गया है, जो देना नहीं चाहती, दुर्भावना रखती है, दुर्व्यवहार करती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री केवल राजनीतिक रोटियां सेकना और मैं कैसे किसानों के बीच में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकूं, ये नहीं चल सकता। आप में दम हो तो नरेंद्र मोदी जी के सामने जाओ, आवाज उठाओ, एक पत्र लिखो, वह धरना दो। वो कुछ नहीं है, केवल किसानों के बीच में जाकर गलत सलत झूठ, जैसा पहले सत्ता में रहकर बोलते थे, अब सत्ता से बाहर होकर बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर असंवेदनशील हो चुकी है, किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के मुद्दे पर शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने क्या केंद्र से पूछकर वचन पत्र बनाए थे, जो केंद्र पर दोषारोपण किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार झूठ बोल रही है, भाजपा की सरकार ने किसानों को बोनस दिया था। शिवराज ने बेरोजगारों को लेकर कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 7 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने को कहा था, लेकिन किसी को भी न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। शिवराज ने कमलनाथ के मुंह चलाने वाले बयान पर कहा, कमलनाथ सही कह रहे हैं, ये सरकार मुंह ही चला रही है, सरकार नहीं चला रही है। सरकार को विपक्ष ने प्रशासनिक अधिकारी गौरी सिंह के इस्तीफे पर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने वल्लभ भवन सहित कई सरकारी संस्थानों को दलालों का अड्डा बताया। शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि NRCO और CAA पर कांग्रेस लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। इस बार का जो सत्र है वो काफी छोटा रहा और विधानसभा में गतिरोध देखने को मिले। सरकार का एकमात्र लक्ष्य दिखा, उसने जैसे तैसे अनुपूरक बजट पास कराया, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार है ही नहीं, पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठप्प पड़ी हुई है, रोज घटनाएं हो रही है और सरकार सो रही है। रेत माफिया, ये माफियाओं की बात करते हैं, रेत माफिया, शराब माफिया, तबादला माफिया, परिवहन माफिया खुल के खेल रहे हैं और माफिया तो वल्लभ भवन में डटे हुए, रोज उनके हिसाब से नीतियां बन रही। शराब माफिया शराब की नीतियां बनाते हैं, इन माफियाओं पे कार्रवाई करो, काय का जस, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक फार्मूला है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का, उसके अंतर्गत हर एक राज्य को बजट दिया जाता है, ये तो बहानेबाजी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।